बीते दिनों उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन के दर्दनाक हादसे में लगभग 280 यात्रियों ने अपनी कीमती जान गंवा दी थी। ट्रेन में सफर तय कर रहे लोगों को इस दुर्घटना का दंश झेलते देखा गया। इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भिलाई सिविक सेंटर चौक में कला साहित्य अकादमी द्वारा अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में मौन धारण कर एवं कैंडल जलाकर अकादमी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपनी संवेदनाएं मृतकों के प्रति व्यक्त की। ये अभी जो हाल ही में पूरा जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है ट्रेन एक्सीडेंट, और ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में ये पहला ऐसा इतनी बड़ी नुकसान के साथ हुआ है। तो उन्हीं जो बेकसूर जो हमारे पैसेंजर थे जो दिवंगत हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मौन श्रद्धांजलि का ही आयोजन किया है। इसमें हमारे जो कुछ चित्रकार साथी हैं वो ऑन द स्पॉट बना रहे हैं उनकी स्मृति में, और चित्र बना कर जरिए से वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बाकी तमाम लोग जो यहाँ चलते चलते जो लोग दर्शक आ रहे हैं और कला विद्यालय के सारे लोग, कला साहित्य अकेडमी के जितने भी हमारे तमाम सदस्य तमाम लोग सब लोग पहुँच रहे हैं। देखिए ये तो सही है कि दोबारा ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, लेकिन क्योंकि तमाम चीज़ें जांच के दायरे में हैं तो जब तक उसका परिणाम नहीं आ जाते उस पर कुछ भी किसी तरह की टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम सभी माननीय संवेदनाओं के तहत हम उनसे जुड़े हुए हैं और हम क्योंकि सारे परिवार जो हैं उनके साथ हमारी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं तो उसके तहत आज हम सब लोग यहाँ पर बालासोर उड़ीसा में इस सदी की जो भीषणतम रेल दुर्घटनाओं में से एक जो दुर्घटना हुई है जिसमें लगभग 300 लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवाया, उन सभी लोगों को उन मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। और हम लोगों ने एक चित्र के माध्यम से एक ड्राइंग के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद हम लोगों ने इस रोजगार चौक पर सिविक सेंटर में जो रोजगार चौक है वहाँ पर इकट्ठे हुए और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा। और हमारा उद्देश्य ये है कि यह जो रेल दुर्घटना हुई है इसके प्रति लोगों को हम जागरूक करें, क्योंकि इसमें लगभग 300 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हम उनकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार के सदस्यों को यह भीषण आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करें।